हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट में ये सवाल पूछते हैं कि भाई तुम वेक्टर के लिए फिंगर यूज़ करते हो या फिर स्टाइलस है कोई। तो अभी तक तो मैं स्टाइलस नहीं यूज़ करता था, फिंगर यूज़ करता था, लेकिन हाल ही में मैंने एक ऑर्डर किया था ये स्टाइलस, जो कि आज मुझे यहाँ पर डिलीवर हुआ है। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं ये कैसे यूज होता है, इसका रिव्यू करेंगे। तो इस पे MRP है 1569, लेकिन फ्लिपकार्ट से मैंने ख़रीदा तो मुझे ये मिल गया था 540 रुपये में डिलीवरी चार्ज के साथ। तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, एक पेन है और क्या है देखते हैं। और ये एक इसके साथ में और है, अगर शायद इसके आगे होगा कुछ। हाँ, ये इसका जो टिप है, अगर ये खराब भी हो जाए तो एक एक्स्ट्रा साथ में दिया हुआ इसके अंदर, उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसको ना हम चला के देखते हैं कि काम कैसे करता है, स्क्रीन पे परफेक्टली काम करता भी है या नहीं करता है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ से हमने लॉक खोला इसका, तो ये सही से चल रहा है। हम यहाँ से ये फोटो लेते हैं, इस पे देखते हैं कि काम कैसे करता है, अच्छे से काम करता है या नहीं करता है वो। ये आप देख सकते हैं अच्छे से काम कर रहा है अभी तक, तो सब सही है। ये सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन आदत नहीं है ना इसकी। तो आप अगर यूज़ करोगे, प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो सब सही चलेगा। फिर इसकी एक बात सही लगी मुझे, जो ये इसका जो मेन टिप है वो वाला ट्रांसपेरेंट है, आप देखिए, क्योंकि इसके अंदर से हम देख सकते हैं।
और हाँ, ये मेरा पहला रिव्यू वीडियो था, तो आई थिंक ये अच्छा नहीं बना, लेकिन अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना था कि मैं अगला एक ग्राफिक टैबलेट पे भी वीडियो बना सकूँ। अगर आपको ये वाला स्टाइलस ख़रीदना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप ख़रीद सकते हैं इसको।